के चक्रों में ना मेरा सालन भी गिरे काफी सारा। ये देखें, ये पैंट पे लगा हुआ है, ये देखें, ये सारा, ये देखें, शाबाश बेटा, ये मैंने साफ कर लिया है। ये भी पैंट पे लगा हुआ है, देखें। फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं हूँ फरहान अब्बासी और आप देख रहे हैं कॉमर्स बॉयज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। अच्छा फ्रेंड, जैसे कि मैं अभी कॉलेज से आया हूँ, घर में कोई नहीं है, अब मुझे लगी है भूख, खाने कुछ मिलता है नहीं मिलता, वो देखते हैं क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ नहीं। पहले बैग, ये बैग गया, अब इसके अलावा किचन में जाते हैं। किचन सबसे पहले फ्रिज खोलते हैं। ओहो भरी पड़ी फुल। ओहो बोले रात राइस पड़े हैं। अच्छा जी, सब्जी पड़ी है और ये दाल पड़ी है। अच्छा पड़ी है सही। अच्छा और ये दूध भी पड़ा है। चलें देखते हैं जो चीज़ खानी है, मैं वो भी रेडी करता हूँ अभी उसके लिए, ठीक है। फ्रेंड, जैसा कि खाना तो नहीं बना हुआ था, रात वाले राइस पड़े थे, कुछ सालन बचा हुआ था, दाल भी पड़ी थी, आलू और उस तरह के समान, सालन पड़ा था, दूध पड़ा था, लेकिन रोटियां नहीं पड़ी थी हॉट पॉट। चलते हैं पहले रोटी लेते हैं, रोटियां लेके उसके बाद सालन गर्म करते फिर खाना खाते हैं। मैं वैलेट तो लेना भूल गया था, वैलेट होता है बैग में, क्योंकि मेरा कैश इसी में होता है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और मैं यहाँ से दरवाजे बंद करता हूँ, पहले सबसे पहले पंखा बंद करता हूँ, यहाँ से दरवाज़ा बंद करना है, यहाँ से बंद करना है, क्योंकि घर में कोई है नहीं और दूसरा मैं अकेला ही हूँ। यहाँ से दरवाज़ा बंद करते हैं, अब चलते हैं इसके पहले रोटी। रोटियाँ लेके फिर सालन गर्म करते हैं, सालन गर्म करके फिर खाते हैं, फिर दिखाते हैं क्या ये खाना आज नसीब होता भी है या नहीं होता, वो भी दिखाते हैं। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ से मैंने लेनी है रोटियाँ, जहाँ से रोटियाँ लेके फिर सालन ले लेते हैं यहीं से, क्योंकि वो ठंडा होगा, वो गर्म कौन करेगा सालन घर वाला। यहाँ से रोटियाँ ले लेते हैं, फिर सालन लेते हैं, फिर घर जाके खाते हैं। जैसे कि ये खाना ले आया हूँ, शॉपर में पैक है, अभी जाके निकालते हैं, प्लेट्स निकालते हैं, प्लेट निकाल के सालन निकालते हैं, रोटियाँ निकालते हैं। यहाँ पे हर क्वालिटी मिलती है। मैं खाना ले आया हूँ, अब मैं निकालना है, फिर खाना है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा वो भी बताते हैं आपको। घर में आज कोई है नहीं, इसलिए बाहर खाना खाना पड़ रहा है। चलो भाई देखो, देखते हैं बाहर खाना किस तरह होता है। हालांकि मसाले वाले चिकन, दोस्तों ये बाहर का खाना इस तरह का खाना होता है। देखें ये हाफ प्लेट मैंने चिकन ली है, देखो कितनी बोटी हैं, छोटे दो बोटी डाली सिर्फ, बाकी आलू और शोरबा लगा दिया। ये सैलेड किस तरह का सामना करते जो लोग बाहर रहते हैं, उधर खाना किस तरह खाते हैं, किस तरह नहीं खाते। अब यहाँ शहर से बाहर जाते हैं लोग कमाने के लिए, पढ़ने के लिए स्टूडेंट जाते हैं, वो किस तरह से खाना खाते हैं बाज़ारों का देख लें आपके सामने। मैं तो सिर्फ एक दिन घर वाले नहीं थे, और खाना आपके सामने किस तरह का, और ये 100 रुपये का, ये 80 रुपये की हाफ प्लेट चिकन है और 20 रुपीज़ की रोटी तीन लाया हूँ। 100 रुपीज़ मतलब के वंस टाइम, मतलब 3 टाइम 300 रुपीज़ मंथली, 9000 फॉर ईटिंग, स्पेशल रखे अपने पास। ऐसे खा लेते हैं खाना, खा के फिर आपसे थोड़ी देर इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं, वो बताता हूँ। चक्रों में ना मेरा सालन भी गिरे काफ़ी सारा। ये देखें, ये पैंट पे लगा हुआ है, ये देखें, ये सारा, ये देखें, ये मैंने साफ़ कर लिया है। ये पैंट पे लगा हुआ है, देखें, पानी इतना ठंडा है, देखें सील ग्लास बर्फ जम रही इसमें अभी।
बाहर जो लोग रहते हैं कमाते हैं या स्टूडेंट हैं वो रहते हैं तालिब इल्म हैं कटिंग के लिए बाहर आओ या जहाँ भी गए हो बाहर इस तरह खाते हैं। ये तो मेरा सिर्फ एक दिन का काम था, मतलब कि सिर्फ एक दिन घर में थे इस तरह खाना खाना पड़ रहा है। बच्चे तेज हैं और बताता हूँ आपको वीडियो एंड में, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ बाहर जो लोग आप लोग वालिद भाई स्टूडेंट जो भी मतलब भाई रहता है आप छुट्टी या कमाने जा गया या स्टडी करने तो खाने इस तरह मिलते हैं वहाँ पे, घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो? खाना खा लिया, थोड़ी सी मिर्चें थी, बाहर का खाना ऐसा ही होता है। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक क्या करें, कमेंट क्या करें और सब्सक्राइब लाजमी करें अगर न्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।